हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंगटोक के बारे में। गंगटोक सिक्किम राज्य का सबसे बड़ा शहर है। गंगटोक पर्यटन स्थल बहुत ही आकर्षक, प्राकृतिक और बादलों में लिपटी हुई ऐसी जगह है जो यहां आने वाले पर्यटकों के दिल दिमाग को ताज़ा कर देती है। बता दें कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक आपको कंचनजंगा का शानदार दृश्य दिखाता है। गंगटोक सिक्किम राज्य का सबसे बड़ा शहर है जो पूर्वी हिमालय पर्वत माला पर शिवालिक पहाड़ियों के ऊपर 1437 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगटोक की घुमावदार पहाड़ी और सड़कें बहुत ही ज़्यादा आकर्षक हैं। गंगटोक की सबसे खास बात यह है कि यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा पर्वत की अद्भुत जगह है। गंगटोक में प्राकृतिक सुंदरता जैसी बहुत सी चीज़ें हैं। गंगटोक उत्तरी भारत में वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए तीसरा सबसे अच्छा स्थान है जो पर्यटकों को यहाँ आने के लिए मजबूर कर देता है। वैसे तो गंगटोक में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हम आपको उन्हीं में से कुछ खास टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है सेवन सिस्टर वाटरफॉल। जैसे कि नाम से ही समझ आता है, सेवन सिस्टर वाटरफॉल में सात अलग अलग झरने शामिल हैं जो एक विस्तृत बीहड़ चट्टान पर आजू बाजू स्थित हैं, जो दूर से देखने में बहुत अलग अलग दिखाई देते हैं। सेवन सिस्टर वाटरफॉल गंगटोक लाचुंग राजमार्ग पर गंगटोक से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बारिश के समय यह झरना बहुत सुंदर दिखाई देता है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। सेवन सिस्टर वाटरफॉल यहाँ आने पर्यटकों को यहाँ फ़ोटोशूट करने के लिए मजबूर कर देता है। सेवन सिस्टर वाटरफॉल अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए एक आदर्श और लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। फर्स्ट है नाथुला पास। अगर आप गंगटोक घूमने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर एक ऐसी जगह है जिसे आप कभी मिस नहीं करना चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय भारत चीन सीमा की, जिसको देखने के लिए आपको एक परमिट की ज़रूरत होती है। इस परमिट को आप गंगटोक जाने के बाद आसानी से हासिल कर सकते हैं। बता दें कि नाथुला पास भारत चीन सीमा पर सिर्फ भारतीय पर्यटकों को जाने की अनुमति होती है और विदेशियों को यहां जाने की अनुमति नहीं है। यह सीमा एक ऐसी जगह है जहां पर जाने के बाद आप भारतीय सैनिकों के साथ चीन के सैनिकों और उनके गुजरने वाले ट्रकों को भी देख सकते हैं। अगला है हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क गंगटोक से 3 किलोमीटर दूर बुलबुली में स्थित है। यह जगह सभी वन्य जीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। 1780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जगह से माउंट खंगचेंदजोंगा का बेहद अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क 1991 में स्थापित हुआ था, जो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह अपनी तरह का पहला है। इस पार्क में प्राणियों को नियमित परिस्थितियों में रखा जाता है, जो एक चिड़ियाघर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस जगह पर प्राणियों की ज़रूरत पूरी करते हुए उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। 205 हेक्टेयर भूमि पर फैले इस पार्क में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें हेम तेंदुआ बिल्ली, हिमालयन पाम सीवेट, हिमालयन लाल पांडा, हिमालयन मोनार तीतर, क्रिम्सन सींग वाले तीतर और हिमालयन काले भालू शामिल हैं। गंगटोक की यात्रा करने वाले पर्यटक जूलॉजिकल पार्क की सैर करके इस जगह के आसपास के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। सेकंड है एमजी रोड। एमजी रोड को गंगटोक का दिल भी कहा जाता है। यह जगह आने वाले लोगों द्वारा बेहद पसंद की जाती है। बता दें कि एमजी रोड खूबसूरत राज्य की राजधानी का केंद्र शॉपिंग हब है, जिसमें कई तरह की दुकानें, रेस्टोरेंट और होटल दोनों हैं। यह जगह एक खुला मॉल है जो इस क्षेत्र का व्यापक रूप से केंद्र माना जाता है और यहां आने वाले पर्यटकों के लिए ख़रीदारी करने के लिए बेहद खास जगह है। एमजी रोड में शॉपिंग करने आने वाले लोग यहां पर आराम से टहल या बस ब्रेंचों पर बैठ भी सकते हैं और उदार परिवेश में इस शानदार जगह पर घूम भी सकते हैं।
इस लगभग 1 किलोमीटर सड़क की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर सफाई और स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है। यह जगह धुएं, कूड़े और वाहनों के आवागमन से मुक्त है। इस जगह पर केवल पैदल यात्री ही आ सकते हैं और वाहनों को यहाँ अनुमति नहीं है। एमजी रोड के दोनों तरफ की इमारतों को सरकार की हरी पहल के अनुरूप हरे रंगों में सजाया हुआ है। यह पर्यटक स्थल गंगटोक फूड एंड कल्चर फेस्टिवल के नाम से भी बहुत फेमस है। यह फेस्टिवल हर साल दिसंबर में आयोजित होता है। अगला है हनुमान टॉक। हनुमान टॉक गंगटोक का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम हनुमान जी के नाम पर रखा गया है। इस मंदिर की देखभाल भारतीय सेना द्वारा की जाती है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि इस जगह पर कोई भी अपने वाहन लेकर जा सकता है और रास्ते पर तस्वीर भी ले सकता है। हनुमान टॉक आने वाले पर्यटक इस जगह की सुंदरता का भरपूर आनंद लेते हैं। इस जगह सूर्योदय का नज़ारा बेहद खास होता है, इसलिए अगर आप सूर्योदय देखना चाहते हैं तो आप सुबह 5 बजे से पहले यहाँ पहुँच सकते हैं, जो देखने के बाद आपको एक अलग एहसास होगा। हनुमान टॉक की शांति आपके मन को बेहद आनंद पहुँचाती है और इस मंदिर का वातावरण ध्यान लगाने के लिए एक खास स्थान बनाता है। अगला है तासी व्यू पॉइंट। तासी व्यू पॉइंट मध्य गंगटोक से 8 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐसी शानदार जगह है जहां से यात्रियों को शानदार माउंट कंचनजंगा का नज़ारा देखने को मिला है। बता दें कि इस जगह का निर्माण तासी नामग्याल द्वारा किया गया था, जो 1914 और 1963 के बीच सिक्किम के राजा रहे थे, जिसकी वजह से इस जगह को उनका नाम मिला। तासी व्यू पॉइंट सिक्किम के पर्यटन विभाग द्वारा विकसित किया गया है, जो एक आदर्श स्थान पर स्थित है। इस जगह से आप यहां से बर्फ़ से ढके पहाड़ों के सुंदर नज़ारों को देख सकते हैं। तासी व्यू पॉइंट स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों के लिए भी बेहद शानदार पिकनिक प्लेस है। तासी व्यू पॉइंट यहां आने वाले पर्यटकों के लिए एक बेहद खास जगह है। इस जगह से आप हिमालय पर्वत की खूबसूरती को देख सकते हैं। तासी व्यू पॉइंट यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ ही आने वाले युवाओं और पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अगला है बाबा हरभजन सिंह टेंपल। बाबा हरभजन सिंह 4000 मीटर की ऊंचाई पर 64 किलोमीटर की दूरी पर नाथुला और जेलेपला दर्रा के बीच से गुजरने वाली सड़क पर स्थित एक ऐसा मंदिर है जो बाबा हरभजन सिंह की समाधि पर बना हुआ है। बताया जाता है कि 35 साल पहले पूर्वी सिक्किम में तुकल्ला से लेकर देंग डुगल्ला तक के विभाजन के दौरान खच्चरों के एक झुंड नेतृत्व करते हुए सिपाही हरभजन सिंह लापता हो गए थे। इसके बाद उनकी खोज शुरू की गई, लेकिन 3 दिनों तक खोज करने के बाद सैनिकों को उनकी बॉडी मिली। इसके बाद टुकड़ी के कई सैनिकों ने बताया कि बाबा उनके सपनों में आ रहे हैं और अपने याद में एक मंदिर बनाने के लिए बोल रहे हैं, जिसके बाद उनकी याद में बाबा हरभजन सिंह स्मारक मंदिर बनवाया गया। यहां आने वाले पर्यटक और उनकी वर्दी पर चढ़ाने के बाद उनकी परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों, ये थे गंगटोक के कुछ खास टूरिस्ट प्लेसेस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।